हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सूखी सब्जी। इसे बनाना बहुत सिंपल है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम लंबी वाली बैंगन को मैंने स्लाइस में काट लिया है और 2 मीडियम साइज के आलू को भी पील करके ऐसे काट लिया है। 2 हरी मिर्च काट लिया है और 2 मीडियम साइज का टमाटर। पैन में हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, इसमें हरी मिर्च और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। अब हम आलू ऐड करेंगे। और हाँ, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी चपाती या पराठे के साथ दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। इसे हम कवर करके थोड़ा पकने देंगे। इसके बाद हम बैंगन डालेंगे, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और बैंगन जल्दी पक जाता है। 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। आलू का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कवर करके इसे पकने देते हैं। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, वरना सब्जी पैन में चिपक जाएगी। अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और टमाटर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, और जब आपके पास समय बहुत कम हो तो इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अब मैंने डाला 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हमें बस इसे 10 मिनट तक ही कुक करना है। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और गैस को ऑफ करेंगे। चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चपाती, पराठा या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बिना मसालों के। कैसी लगी आपको मेरी ये झटपट बनने वाली रेसिपी? अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।